अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको ज़ुडेना टैबलेट पर कम्प्लीट रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये टैबलेट किन लोगों के लिए है, किन अमराज में यूज़ की जा सकती है, मुकम्मल तफसील आपको बताई जाएगी। वीडियो आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें ताकि आपको हेल्थ के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं ज़ुडेना टैबलेट की। तो व्यूअर्स, ऐसे मर्द हजरात जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला रहता है, प्रॉब्लम है, जिनके नफ्स में सख्ती का, तनाव का मसला है, उनके लिए ये टैबलेट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे मर्द हज़रात जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, या ऐसे मर्द हज़रात जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन वो ज़्यादा देर तक इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ज़ुडेना टैबलेट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको आपने यूज़ इस तरीके से करना है कि खाने के बाद, आपने मील के बाद आपने इस टैबलेट को लेना है। इंटरकोर्स करने से 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इस टैबलेट को पानी के साथ हमने ले लेना है, और 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपने इंटरकोर्स करना है। तो जो जिन मर्द हज़रात को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की इरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो वो इस मेडिसिन से मसला हल हो जाएगा। व्यूअर्स, ये टैबलेट आपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करनी, आपने इसको सिर्फ इंटरकोर्स से पहले ही यूज़ करना है। वो भी ज़्यादा इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आपने कोशिश करनी है कि इसको बस एक से दो दफ़ा, या मैक्सिमम भी एक महीने में कोई 3-4 दफ़ा यूज़ की जाए बस। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो व्यूअर्स, ये था ज़ुडेना टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। व्यूअर्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।